जी सर। अच्छा है, बोलो। ओ, मेरा मतलब है सुनाओ। नहीं सर, मुझे शर्म आती है आपके सामने सुनाने के लिए। रीना, ये हमारा प्रोफेशन है, इसमें शर्माओगी तो कैसे चलेगा? खुलकर बताओ, खुलकर। कॉन्डोम के एड पर तो सरकार भी खुलकर प्रचार कर रही है, और इसमें शर्माना कैसा? खुलकर बोलो, पूरा लाउड। चलो बताओ कैसे। ठीक है, आप कहते तो मैं सुना देती हूँ। देखिए सर, लड़का और लड़की खड़े। लड़की कहती है, आज की रात दो जिस्म एक हो जाने को दिल करता है, कहीं बदनाम ना हो जाए इसलिए जमाने से डर लगता है। और फिर लड़का कहता है, जिसके पास हो एक्ट शॉप कॉन्डोम वो हर रात खुलकर प्यार करता है। Yeah, but you got it.
ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके, ये क्या कर रहे हो? ऑफिस में काम करने आते हो या रोमांस करने आते हो? रीना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। सर, मैं तो शर्मा रही थी, लेकिन शर्मा जी ने कहा कि शर्म हया छोड़कर खुलकर बताओ, मेरा मतलब है सुनाओ। तो मैं जिंगल सुना रही थी। जिंगल रेडी? यस सर, एकदम गर्मा गर्म जिंगल बनाया मैंने, ये देखिए। अब इसको गा के सुनाओ। यस सर। ये क्या कर रही हो तुम? सर, मैं तो जिंगल सुना रही हूँ, मेरा मतलब है एक्शन करके दिखाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, दिखाओ। सर, एक लड़का और लड़की खड़े। लड़की कहती है, आज की रात दो जिस्म एक हो जाने को दिल करता है, कहीं बदनाम ना हो जाए इसलिए जमाने से डर लगता है। और फिर लड़का कहता है, जिसके पास वो एक छाप कंडोम वो हर रात खुलकर प्यार करता है। सर, ऐसा उठकर आएगा कंडोम, धन धना धन, धन टना टन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाओ, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे। शर्मा, तुम इस एड की तैयारी करो। ओके सर। रीना, अब तुम एक नए एड पे जिंगल लिखो। बताइए सर। 72 घंटे में एक गर्भवती महिला प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। ओके सर, मैं समझ गई, मैं ये जल्दी लिखकर आपको बता दूंगी। ओके, बाय। बाय सर। बुला लेना। सर, ये लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्या है? एक वीक की छुट्टी चाहिए। यस सर। ले लो, तुम्हें भी। थैंक यू सर। क्या थैंक यू? सर, अभी आप ही ने तो कहा था कि ले लो। मैंने कहा नहीं, इससे पूछा था। ले लो क्या, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? और इससे पहले बीच में बोल गई थैंक यू सर। सॉरी सर। सर, मुझे भी एक वीक की छुट्टी चाहिए। ठीक है, दोनों दे लो। मेरी? यस सर। मुझे जरा घर का नंबर लगा के देना। जी सर। ओके, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, मैडम कहाँ गई? मैडम बैंगन लाने गई है, कह रही थी बैंगन का भरता बनाना है। अच्छा ठीक है। प्रिंस साहब ने कहा है कि सबको कुछ चाहिए तो उनको दे देना। ठीक है, मुझे कुछ लगेगा तो मैं मांग लूंगा, तुम अपना काम करो। जी। जानू, एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। अरे, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम्हारे घर वाले को पता चला तो, और तुम्हारे जीजू को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे को गिरा दो। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, इसका मतलब? अगर मैं ऐसी शादियाँ करता रहा तो न जाने कितनी मेरी शादियाँ हो जाएंगी। तो फिर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाया? इसमें तो तुम भी शामिल हो, और मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, और मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का। ठीक है। लीना, खाना रेडी है? हाँ दीदी। अरे क्या बात है मास्टर जी, आप अभी तक गए नहीं? एक्चुअली क्या है ना, शोज मेरे घर पर है और मेरे पास टाइम भी कम है, इसलिए मैंने सोचा ज्यादा प्रैक्टिस करवा लूं।
कोई बात नहीं, आज हमारे साथ ही खाना खाकर जाना। ठीक है। लीना, इनको और हमारा खाना लगा दो। हाँ दीदी। आइए बैठिए मास्टर जी। रोहन, तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट आया है। अरे बताओगी तब पता चलेगा ना। अगर कोई लेडीज ना चाहते हुए प्रेग्नेंट हो जाए तो ये गोली खाकर वो 72 आवर्स में छुटकारा पा सकती है। ये तो अच्छी गोली है। इस पे मुझे जिंगल लिखना है, प्लीज डार्लिंग मेरी मदद करो ना। हाँ ठीक है, आप कुछ सोचते हैं। ठीक है चलो। हाँ चलो। अच्छा मास्टर जी आप बैठो, हम अभी आते हैं। कुछ लिखती उल्टा सीधा तब जाके कुछ बनेगा। रोहन सुनो, मैंने एक जिंगल बनाया, बिना शादी के माँ बनना पाप है, एक गोली लो पेट साफ है। अच्छा है ना? अच्छा है, चलो अब सो जाते हैं। अरे नहीं बाबा, ऐसे 8-10 जिंगल लिखने पड़ेंगे तब जाके एक पास होगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ लिखती हूँ। गुड नाइट। छोड़ो ना। लिखने दो ना, तुम भी ना। हेलो, आटे की करीना, करीना, करीना। बस एक मिनट। अरे मेरा रुमाल और वॉलेट किधर है? मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। चिल्ला क्यों रहे हो? आ रही हूँ ना बाबा। ये क्या? ये रहा, यही पे तो रखा था। लाओ। तुम्हारे पास चाबी है ना घर की? हाँ है। और मेरी चाबी पड़ोस की आंटी के पास दे रही हूँ, और काम वाली आएगी तो उसे पूरा काम करा करूँगी। ओके, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहा था ना, सामने वाली आंटी का ऑपरेशन है आज, उन्हें देखने जा रही हूँ। रात को तुम आ जाओगी ना? कैसे बात कर रहे हो बाबा, 8 बजे तक तो मैं आ जाऊंगी। काम वाली को कहा है खाना बना के जाना। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। अच्छा है लीना, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी चेंज कर दोगी ना तो और अच्छा हो जाएगा, समझी? ओके सर, मैं अभी करके बताती हूँ। ये हो जाए तो फिर इस नैपकिन के ऊपर एड लिखूंगी, और इसकी एड ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा और इस कंपनी का नाम नंबर 1 पर आना चाहिए, समझी? जाओ फटाफट लिखो।